बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ जरायम ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे तक जान नहीं छोड़ते, बुढ़ापा छोड़िए कब्र तक भी वह साथ जाते हैं, और जरायम ऐसे कि रब की नाफरमानी वासे छलकती है, मगर शैतान हमेशा इंसान को उसके जरायम बुराइयाँ, उसके गुनाह, उसकी नाफरमानियों को खुशनुमा करके पेश करता है। आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दें, और हमें सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें, तो बाबा जी को ज़रा आप जहाँ देख लें। एक साइड पे स्टेज ड्रामा चल रहा है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, बुज़ुर्ग अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे। देखिए, अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं बुज़ुर्गी और सफ़ेद बालों से हया करता हूँ। वालिदैन से फर्माबरदारी का हमेशा हुक्म दिया, क्योंकि वह बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं। अब इंसान के बुढ़ापे का अल्लाह की ज़ात को ख्याल है, क्योंकि बुढ़ापा जूं जूं आता है इंसान मौत के करीब मजीद चला जाता है, कमज़ोरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, गुनाह छूट जाते हैं, मगर जवानी बचपन की गुनाहों वाली ज़िंदगी बुढ़ापे तक इस तरह इंसान को बर्बाद करती है। इंसान जैसी अपनी आदत बनाता है हमेशा वैसा ही रहता है। किसी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी कि अगर नई नई निकलने वाली टहनी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ लिया जाए तो वो उसी मुताबिक हो जाती है, लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो उसे एक तनावर दरख्त बनने के बाद मोड़ा नहीं जा सकता, मोड़ा जाएगा तो टूट जाएगी। बस एक ही मैसेज है, अगर किसी ज़िंदगी के हिस्से में है तो वह इस्तग़फ़ार करके, अगर गुनाह है तो रब की नाफरमानी की तरफ हमें आना चाहिए, वरना एक वक्त तो आना है जब कब्र में हमें अकेले उस रब के सामने पेश होना होगा, और फिर अकायदो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हम बरोज़ क़यामत कैसे करेंगे। राय दीजिए प्लीज़ वीडियो पर। हम न जाने अपनी बात पहुंचा सके या नहीं पहुंचा सके, मगर प्लीज़ इसे आगे भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकॉन, सेलेक्ट द नोटिफिकेशन ऑल।